इस तरह लगाएंगे यहाँ पे क्लच गार्ड जो कि यहाँ पे लगेगा जैसे कि बुलेट में लगाया था हम लोगों ने, लेकिन इसमें हमने कुछ एक रेडिकल चेंज किया है। हम बिना चेसिस को वेल्डिंग किए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, और इसका अबू ने वो बनाया है एक बेस फ्रेम बनाया है, इसका बेस फ्रेम बनाया है यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये बेस बनाया मैंने इसका टू बेस में, ये यूनिवर्सल है, इसके आप जिस एंगल पे चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, हर एंगल से इसको देखा। अभी ये मैं अभी ये मैं इसको कलर करके टू पीसेस में है इसको कलर करके वहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक हो गया, तो ये पेंट हो गया, अब इसको माउंट करते हैं क्लच गार्ड की लोकेशन। ये यहाँ पे दो ऐसे लगेंगे, एक वहाँ से एक यहाँ से, ऐसे टू पीसेस में एक यहाँ से और एक वहाँ से। सो ये क्रैश गार्ड लगेगा यहाँ पे, ये क्रैश गार्ड टायर। ठीक है, इसकी सेटिंग इस तरह से बनाई है मैंने, इसमें अप डाउन लेफ्ट राइट सारे ऑप्शन मौजूद हैं इसके अंदर। दिस इज़ द वे टू इंस्टॉल द क्रैश गार्ड्स और एनी बाइक। इसका हम क्लैंप बनाते हैं ताकि वेल्डिंग ना करना पड़े, क्लैंप बना के इसमें क्रैश गार्ड ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है जीएस में या कोई भी बाइक हो। और भी लोकेशन है क्रैश गार्ड की, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो होप यू लाइक अवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल ओवर एंड आउट।